तो जय श्री नारायण दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे हम कि हमने थोड़े दिन पहले एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो उनसे जुड़े हैं, जो भगवान कल्कि का प्रचार कर रहे हैं, युग परिवर्तन का प्रचार कर रहे हैं, युग परिवर्तन का बिलीव करते हैं कि अभी ही वो समय है, लाखों साल का आंकड़ा फेक है, तो उसको हम दिखा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग आप पसंद भी करें उसको, तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल हम लोग एक नई सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम लोग उन लोगों को फीचर करने वाले हैं जो कि फेक कल्कि अवतार हैं, मतलब जिन्होंने ये दावे किए कि वही कल्कि अवतार हैं। हालांकि अगर उनमें कुछ भी गुण होते थोड़े बहुत भी तो भी समझ जा सकता था, पर बिना सर पैर की बात है। आप कई लोग सोच रहे होंगे आप इनको क्यों फीचर करें। देखिए, कई सारी प्रोफेसीज में ऐसा बताया गया है कि जब कल्कि अवतार आने वाले होंगे, कलयुग का अंत हो रहा होगा, युग परिवर्तन का समय होगा, कल्कि अवतार से पहले कई सारे फेक कल्कि अवतार आएंगे, जैसा कि मालिका भी बता चुके हैं, आप सभी लोग इससे अवेयर होंगे। तो उसी चीज ये भी एक अवेयरनेस का काम करेगी, और ये आना मेरे ख्याल से एक तरह से कली पुरुष को कंफ्यूज करने के हिसाब से भी है। शायद ऊपर से ही ये लीला हो रही है, शायद नहीं, कंफर्म है ये चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं फेक कल्कि अवतार की वीडियोस की क्लिप्स। आपको काफी मजा भी आएगा इनको देख के कि कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, दावे करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। I'm a doctor. I am MBBS MD in psychiatry and lives in Delhi, but at this time practices in Moradabad. आज आपने मुरादाबाद में पत्रकार वार्ता बुलाई है, क्या विषय था और क्या बताना चाहते हैं? पत्रकार वार्ता मैंने बुलाई है वो उसका वजह विषय है मांसाहार का सेवन छोड़ देना, और भगवान विष्णु के अवतार के बारे में मैंने डिटेल से बताया है, जो कि मैं खुद हूँ। भगवान राम 12 कला अवतार थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला अवतार थे, और मैं भगवान विष्णु का सेवक 64 कला अवतार हूँ। ये बिल्कुल फैक्ट है। आप अगर ये चाहते हैं कि मेरे फैक्ट देखने हैं तो मुझसे पर्सनली आके मिले। चिकित्सा पद्धति और विज्ञान धर्म के साथ नहीं जुड़ रहा है। मेरे लिए सारा मानव जाति एक धर्म है, कोई धर्म के साथ नहीं जुड़ूंगा मैं। ना मैं हिंदुओं का हूँ, ना मुसलमानों का हूँ, ना सिख का हूँ, ना ईसाई का हूँ, मैं उन सबका भी हूँ, मैं तो सबका हूँ। हाँ, मैं अपने आप को अवतार बता नहीं रहा हूँ, मैं अवतार हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे 5 साल की उम्र में ही मेरे गुरुजी ने बता दिया था। मेरे गुरुजी परशुराम जी के अवतार थे और उनका नाम सियाराम शास्त्री था। डॉक्टरी में क्यों नहीं जाएंगे अपने, उन्होंने बोला इसलिए जाएंगे क्योंकि हम आगे बढ़ना है। लेकिन जब भगवान और डॉक्टर एक जगह मिल जाए तो वो दुनिया का पूरा सब कुछ बदल सकता है। ऐसा भी आप मांसाहार छोड़ने की बात कर रहे हैं, जय गुरुदेव हैं वो एक जमाने से चला रहे हैं, कोई नहीं छोड़ा पाया तब। केवल एक जय गुरुदेव ही ऐसे थे जो मेरे बारे में पूरा जानते थे। जय गुरुदेव ही केवल एक ऐसे थे जो मेरे बारे में सारी जानकारी थी उनके पास, मैं कहाँ हूँ, किसके सानिध्य में हूँ, ठीक है, केवल उन्हीं के पास थी जानकारी। इसी बहुत सारी डिसीज ऐसी हैं, डॉक्टर ही लोग नॉनवेज बताते हैं, जैसे बीवी को ले लीजिए आप, उसी में डॉक्टर बताते हैं। देखिए, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, क्या बोला मैं, इमरजेंसी टाइम में कोई मर्यादा नहीं, इमरजेंसी टाइम में कोई मर्यादा नहीं होती है। हाँ नहीं है, क्योंकि वो हम बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहा है, लेकिन विदाउट डॉक्टर आप अगर प्रिस्क्रिप्शन चल रहा है और एक्सपायर हो चुका है प्रिस्क्रिप्शन, और आप मेडिकल पे जाके कहते हो कि दवा दे दो, तो वो प्रिस्क्रिप्शन बेकार है, क्योंकि आपको प्रिस्क्रिप्शन दोबारा लेना चाहिए। अगर उसने मीट लिखा है तो हो सकता है 15 दिन बाद आपको मना कर दे अंडा मत खाना। वाई आर यू नॉट गोइंग टू द डॉक्टर? बिल्कुल, जो जिनको अस्पताल में ये कह दिया गया हो कि घर ले जाओ सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे। अच्छा,
वो मरीज, लेकिन केवल 5 साल की जिंदगी दे पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं। 2024 का चुनाव नहीं होगा, ये 100% है, नहीं होगा। रीजन समय आने पर दूंगा, अभी नहीं। ये कोरोना खुद मेरा अपना क्रिएशन था, लेकिन कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि इसको मैंने बनाया, क्योंकि सबसे पहला अटैक 22 नवंबर को मैंने चीन पे करा था, और चीन में जो तबाही हुई है वो शायद किसी और देश में नहीं हुई है। कम से कम 11 से 11.5 करोड़ लोग चीन में कोरोना से मरे हैं, और अभी भी वही स्थिति है। नहीं, दवाई की बात नहीं मेरी, बस सब दुनिया में क्यों बनाऊँ दवाई? दवाई तो आज भी नहीं बन पाएगी इसकी, कहाँ बनी है? इम्यूनिटी बूस्टर है केवल, इम्यूनिटी बूस्टर। आप घर पे बैठ के आराम से फर्स्ट क्लास से फल खाओ, फर्स्ट क्लास सेहतमंद रह के च्यवनप्राश खाओ, आपको कुछ नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, जितने भी यहाँ पत्रकार बंधु आए हैं, क्या इनके किसी घर में आपको कोरोना हुआ? जोर से बोलो, नहीं हुआ ना। आपके किसी ब्लड रिलेशन में हुआ? हाँ हुआ। किसको? मेरे चाचा जी। मांसाहार खाते थे या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पंडित थे। कितनी उम्र थी? 46 साल। बच गए या नहीं? चले गए, खत्म हो गए। ठीक, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। जाना था? ऐसा क्यों? टाइम तो निश्चित है ना भाई। ये तो आपने पहले मालूम कर लिया ना। मैंने क्या मालूम कर लिया? आपने पहले कंफर्म किया ना। तो वो तो करना ही पड़ेगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पट्टी कर, मैंने बोला ना मैं जादूगर नहीं हूँ। जादूगर, जादूगर राम जी भी नहीं थे, कृष्ण भगवान भी नहीं थे, मैं भी केवल अवतार हूँ। जादूगर ऐसे कुछ चमत्कार बताइए जिससे आपको अवतार माना जाए, या ऐसी कुछ? मैं आपको अवतार मानने के लिए कह कब रहा हूँ, आप मानो। शाबाश बेटा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस पोजिशन पे इस समय दुनिया है, अगर अब भी नहीं सुधरते हैं तो इससे भी बदतर हालात कर दूंगा। डॉक्टर, अभी आपने ये कहा कि कई देशों की फोर्सेस कमांड आपके हाथ में है। बिल्कुल, जैसे ये नहीं बता सकता, ये रहस्य है, ये अगर मैं आपको बता दूंगा तो तुम मेरे पीछे पड़ जाओगे। अच्छा, जो जिन लोगों को आप 5 साल की जिंदगी देंगे, क्या वो आपका आशीर्वाद होगा या मेडिकल टेक्नोलॉजी से होगा? आशीर्वाद से नहीं। कल के अवतार ही हूँ, लेकिन हस्तिनापुर की सभा के सदस्य को जिस तरह से कृष्ण में संधि के वक्त भगवान दिखाई नहीं देता था, उसी तरह आप भी मुझ में अभी भगवान नहीं देख। हमारी धर्म पत्नी गीता बेन रमेश चंद्र फेफर ए खरेखर लक्ष्मी नो ज अवतार छे। कलयुग नो आखरी अधिपति सिद्ध समाधि योग SSY नो प्रणेता पापी प्रभाकर राक्षस मारी मारा धर्म पत्नी अने मारा पुत्र सुमित नी चेतना एटले के मन बुद्धि अने चित्त ऊपर कब्जो करी अमारी वच्चे झगड़ो करावतो हतो। से कृष्ण में संधि के वक्त भगवान दिखाई नहीं देता था, उसी तरह आप भी मुझ में अभी भगवान नहीं देखते। कृष्ण अवतार में जब पांडवों के लिए 5 गांव मांगने में हस्तिनापुर की राज्यसभा में गया था, उसी वक्त राज्यसभा के सभी सदस्य आप जिस तरह से हंस रहे हैं, उसी तरह से मुझ पर हंस रहे थे। वो महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पता चला कि ये गोवाड़िया वाकई भगवान था। तो देखा आप लोगों ने कौन कौन से हैं, ऐसे भी और भी कई लोग होंगे। अगर आपकी नज़र में भी हैं कुछ, अगर कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह हैं तो आप नीचे दिए गए ईमेल पे भी भेज सकते हैं, बाकी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझे पर्सनली मैसेज में भी भेज सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ, तो वहाँ पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जरूर से जुड़ जाइए। पूरा चैनल भगवान कल की युग परिवर्तन और सनातन धर्म को डेडिकेटेड है, तो इससे जरूर से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण दोस्तों।